नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। बीएसएससी ने अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। जी हां, आपको बता दें कि बीएसएससी ने सचिवालय सहायक के अभ्यर्थियों को सुधार करने का एक बड़ा मौका दिया है। बीएसएससी द्वारा सचिवालय सहायक के लिए बीते कुछ महीने पहले आवेदन मांगे गए थे, जिसकी तारीख 1 जून को ख़त्म हो गई। चूँकि आवेदन ऑनलाइन किया जाना था, ऐसे में कई ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने आवेदन करने के दौरान कुछ गलतियां की थी, लेकिन कर्मचारी चयन आयोग ने इन गलतियों को सुधारने के लिए कोई ऑप्शन नहीं दिया था। ऐसे में डर ये भी था कि जिन अभ्यर्थियों ने गलती की थी उनके आवेदन रद्द हो जाते। पर अब बीएसएससी के पास ऐसी कई शिकायतें मिली जिसके बाद बीएसएससी ने अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। अब वो अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन भरने में कोई गलती की थी उन्हें सुधार करने के लिए एक मौका देने का फैसला लिया गया है। इस विषय पर एक समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया कि जिन आवेदकों के ऑनलाइन फॉर्म भरने के दौरान किसी तरह की कोई गलती हुई है उन्हें एक सुधार का मौका दिया जाए। और 19 जुलाई 2022 को बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने अभ्यर्थियों के इस आवेदन को दाखिल कर दिया, यानी कि अब आवेदक अपने फॉर्म में हुई त्रुटियों में सुधार कर पाएंगे। इसके तहत वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन भरने में किसी प्रकार की कोई गलती की है वे सुधार के लिए आयोग के वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाकर अनुरोध पत्र लिखेंगे और जिस कॉलम में त्रुटियां हुई है उस कॉलम को लाल इंक के कलम से घेरकर सुधार हेतु आवेदन करेंगे। अभ्यर्थी फॉर्म के त्रुटि में सुधार 22 जुलाई 2022 से लेकर 29 जुलाई 2022 तक कर सकेंगे। साथ ही अभिप्रमाणित दस्तावेज की पर्ची अटैच करनी होगी। हालांकि आयोग ने कहा है कि अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन नंबर, फॉर्म नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में किसी भी तरह का सुधार नहीं किया जाएगा। वहीं जो अभ्यर्थी स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री के जरिए सुधार के लिए आवेदन करेंगे उन्हें 5 अगस्त से पहले तक आवेदन करना होगा। बता दें कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से लगभग 8 सालों के बाद तृतीय स्नातक स्तरीय बहाली इस वर्ष आई थी, जिसको लेकर बिहार सरकारी नौकरी करने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों में बेहद उत्साह और लाखों की संख्या में लोगों ने आवेदन किया था। जिसके बाद बीएसएससी ने यह फैसला लिया है कि उन त्रुटियों को अब ये अभ्यर्थी सुधार सकेंगे और उन्हें एक बड़ा मौका मिल जाएगा, क्योंकि जिन्होंने पिछले दौरान जिस तरह की गलतियां की थी उन्हें सुधारने का एक बड़ा मौका है। उसे सुधार कर लोग इस तरह की नौकरियों में एक बार फिर से आवेदन कर पाएंगे, जो वाकई इन अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ, और तब तक के लिए मैं दे इजाजत। नमस्कार।